वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। टुडेज टॉपिक शिफ्ट लेआउट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। एट द टाइम ऑफ शिफ्ट लेआउट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर शीट साइज, मार्जिन, बॉर्डर लाइन, टाइटल ब्लॉक, बिल ऑफ मटेरियल्स, रिविजन ऑफ द ड्राइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। There are another points also like orientation mark, grid reference system, frames, etc. It is used to special purpose of the drawing sheet. Welcome friends, today I will discuss sheet layout. As a draftsman, पहले सबको sheet layout का concept clear होना चाहिए। कैसे हम लोग sheet layout करेंगे? Today's topic sheet layout. तो sheet कितने टाइप का होता है ये हमको जानना है। तो सीट होता है, सीट साइज ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दो साइज का सीट होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ट्रिम साइज लेके काम करेंगे। तो ट्रिम साइज क्या होता है? A0 841 इंटू 1189, A1 594 इंटू 841, A2 420 इंटू 594, A3 297 into 420, A4 210 into 297, A5 148 into 210. इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सीट के अंदर ही होता है। अकॉर्डिंग टू BIS एज पर SP 46/2003 रिकमेंडेड ड्राइंग सीट साइजेस यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रिम्ड अनट्रिम्ड दोनों साइज का A0 टू A5 तक दिए गए हैं। सबका यूनिट होता है मिलीमीटर। ड्राइंग सीट साइज के बाद हम लोगों को ध्यान देना है मार्जिन पर। मार्जिन इज प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग सीट बाय मार्जिन लाइंस, प्रिंट्स आर ट्रिम्ड अलोंग दीज लाइंस। तो ट्रिम साइज ड्राइंग का जो ट्रिमिंग लाइन है तो वही लाइन मार्जिन लाइन है। ऑटोकैड में आप लोग प्रिंट देंगे तो देखेंगे वही ट्रिमिंग लाइन या मार्जिन लाइन से ही प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया जाता है। अभी हम देखेंगे सीट लेआउट में कितना बॉर्डर लाइन कितना छोड़ के करना पड़ता है, क्या कौन सा मार्जिन लाइन है, कौन सा बॉर्डर लाइन है। देखिए A0 साइज का सीट है, जैसे 1189 इंटू 841 जो हमने पहले देखा है, तो वो ड्राइंग ये साइज है हमारा ड्राइंग का। देंगे बॉर्डर लाइन तो 20 छोड़ के, 20 ऑल ओवर 20, ए भी 20, ए भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। और टाइटल ब्लॉक देना पड़ता है 185 इंटू 65, ये है टाइटल ब्लॉक का साइज। तो A0 साइज, ये ड्राइंग है A0 साइज का, ये है हमारा A0 साइज, ये है हमारा A0 साइज, यहाँ ऑल ओवर 20 है बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन है, ये हमारा मार्जिन है, जो ट्रिमिंग लाइन है वही मार्जिन लाइन है। और टाइटल ब्लॉक यहाँ है 185 बाई 65। तो A0 और A1 सीट में होता है, ये हमारा A1 सीट है। A0 का आधा हमने देखा है, 1189 को आधा करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो ये है 1189, इसको आधा करेंगे तो इसका जो सेव है वो है A1 से। तो ट्रिम ड्राइंग सीट का हाविंग एंड डबलिंग मेथड यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे A0 का आधा A1, A1 का आधा A2, ऐसा करके A5 तो आता है। मेरा जो अलग वीडियो है सीट साइज का, वहाँ पर दिखाया गया है कैसे हम लोग याद रखेंगे सीट साइज को, क्या कितना कितना टाइप का सीट साइज होता है। नेक्स्ट बॉर्डर लाइन, A0 A1 का बॉर्डर लाइन होता है 20 mm, और A2 A3 A5 A4 सब होता है 10 mm, और जब इसके अंदर हमारा ड्राइंग रहेगा। और एक होता है बॉर्डर के साथ कहीं कहीं यूज होता है फ्रेम, बॉर्डर एंड फ्रेम। फ्रेम मतलब है बॉर्डर लाइन के साथ और एक लाइन जोड़ना, फ्रेम मतलब है बॉर्डर लाइन के साथ और एक लाइन जोड़ना, जिसका हम गैप देंगे 5 mm। जैसा A1 सीट में हमने जैसे दिखाया, ये है हमारा फ्रेम लाइन, ये है बॉर्डर लाइन, यहाँ से ये है 20 और ये है 5, ये 5। ड्राइंग तब वही फ्रेम लाइन के अंदर ही होगा, टाइटल ब्लॉक भी फ्रेम लाइन का ऊपर ही होगा। जहाँ जैसा ज़रूरत होगा हम लोगों को ऐसा ही ड्राइंग करना है।
बॉर्डर लाइन टाइटल बॉल का ये एग्जाम्पल है। यहाँ ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कैसे दे के ड्राइंग होता है, ऐसा रेफरेंस है। यहाँ पर मार्जिन, बॉर्डर, ओरिएंटेशन मार्क, फ्रेम सब देकर ड्राइंग शीट लेआउट कैसा होता है उसका एग्जाम्पल है ये। दिस इज ओरिएंटेशन मार्क। दिस मार्क्स कंसिस्ट ऑफ एरोहेड एंड शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस द फ्रेम वन। फ्रेम का मिडिल में एक ही बैठता है, पहले एग्जाम्पल में दिखाया गया। मेट्रिक रेफरेंस रेजोल्यूशन है, इट इज शोन ओनली ड्राइंग विदाउट डायमेंशन। ये 100 mm लॉन्ग को 10 इक्वल डिवीजन किया जाता है, 5 mm विड्थ होता है। इट इज यूज इन द ड्राइंग शीट लेआउट फॉर स्पेशल पर्पस। टाइटल बॉक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ड्राइंग शीट लेआउट। नेम ऑफ द ड्राइंग, पर्टिकुलर्स एंड ऑर्गेनाइजर नेम एटसेट्रा आर गिवन एंड फिगर 1 and 2 शो द पोजिशन ऑफ द टाइटल बॉक्स द बॉटम ऑफ राइट साइड कॉर्नर। टाइटल ब्लॉक में जो पर्टिकुलर्स रहता है उसका है नेम ऑफ द फॉर्म, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, स्केल, सिंबल फॉर द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्राइंग नंबर, इनिशियल विद डेट, पर्संस हु हैव डिजाइन, ड्रॉन, चेक्ड, स्टैंडर्ड एंड अप्रूव, नंबर ऑफ द ड्राइंग शीट, ये सभी टाइटल ब्लॉक में देना होता है। टाइटल ब्लॉक का मेजरमेंट होता है 185x65। जो पॉइंट हमने बताया वही पॉइंट कैसे कितने माप में दिया जाता है वही यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाया गया है। लिस्ट ऑफ पार्ट्स, व्हेन ड्राइंग ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ एन असेंबल ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन इन ए सिंगल शीट, अ लिस्ट ऑफ दिस पार्ट्स और लिस्ट ऑफ पार्ट्स शुड बी प्लेस्ड अबव और बिसाइड द टाइटल ब्लॉक इन ए टेबुलर फॉर्म। दिस शुड बी पार्ट नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्ट लिस्ट इन ए ड्रॉइंग शीट। इसके अंदर रहता है नंबर, पार्ट नेम और नंबर ऑफ मेटेरियल रिमार्क्स। बिल ऑफ मेटेरियल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग शीट लेआउट। इन द डिटेल ड्रॉइंग शीट पार्ट्स आर ड्रॉन इन देयर डायमेंशन फॉर द पर्पज फॉर मैनुफैक्चरिंग। बिल ऑफ मेटेरियल शुड बी गिवेन सेपरेटली इन द राइट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्रॉइंग शीट इन टेबुलर फॉर्म। इट शुड बी प्रोवाइड ए फ्यू पर्टिकुलर्स सच एज सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, मेटेरियल, यूनिट वेट, रिमार्क्स एटसेट्रा। यह एक ड्रॉइंग शीट जहाँ पर बिल ऑफ मेटेरियल्स राइट साइड टॉप कॉर्नर में दिखाया गया है। यहाँ पर इरेक्शन मार्क्स, आइटम मार्क्स, डिस्क्रिप्शन, लेंथ, यूनिट वेट, मेटेरियल वेट सभी दिखाए गए हैं। इरेक्शन वेट, रिमार्क्स सभी है यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर दिखाना होता है नीचे टोटल वेट। और भी एक आइटम है जो हमने नहीं बताया पहले, वो क्या है, मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ देना पड़ता है। रिविजन ऑफ द ड्रॉइंग शीट, ए रिविजन पैनल इज ड्रॉन अटैच टू द टाइटल ब्लॉक और अबव इट, द रिविजन आर रिकॉर्डेड इन इट, गिवन रिविजन नंबर, डेट, जोन एटसेट्रा, ऑल्सो इनिशियल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। ये एक ड्रॉइंग का टाइटल ब्लॉक है, उसका बाएं तरफ अटैच है रिविजन पैनल। रिविजन पैनल में जैसे हमने बताया नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेट, बाई एंड चेक्ड का साइनिंग होता है इसके अंदर। और एक होता है नोट्स, जो हमने बताया नहीं, नोट्स भी टाइटल ब्लॉक का पास होता है या अबव द टाइटल ब्लॉक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग शीट लेआउट का। जैसा एक ड्राइंग है उसका टाइटल ब्लॉक का ऊपर ही नोट्स है, ये टाइटल ब्लॉक है अभी इसका ऊपर ही नोट्स दिया जाता है। कहीं साइड में होता है टाइटल ब्लॉक का, कहीं ऊपर होता है, जहाँ जैसा ज़रूरत होता है क्या प्रेस मिलता है वहीं देना पड़ता है। और एक बात ध्यान में रखना है, हमने थियोरिटिकली टाइटल ब्लॉक का साइज सीखा है 185x65, बट एक कंपनी के तरह डिपेंड करता है उसका साइज क्या होगा, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ये भी एक एग्जांपल है कंपनी ड्राइंग का, यहाँ टाइटल ब्लॉक भी अलग तरीके अलग साइज का है यहाँ पर। इसलिए थियोरिटिकली हम 185x65 जानेंगे, मगर प्रैक्टिकल फील्ड में वो बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।